धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने परसों सुना था गणेश दास जी को आसामी भाषा में एक पास्टर से बात करते हुए। आज दूसरे पास्टर से उन्होंने हिंदी में बात किया। मैंने उनसे कहा कि हमारे सब श्रोता हिंदी वाले हैं, इसलिए आप हिंदी में बोलिए तो लाभ होगा। तो उन्होंने हिंदी में ही बनाया है। पास्टर से बात हो रही है, क्या बात उनकी हो रही है उसको सुनिए, और उसके बीच में कहाँ क्या है वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। धन्यवाद। असम से बोल रहा हूँ, फेसबुक से मिला था आपका नंबर। जय मसीह की, बोलिए ना। हाँ, तो मैं कुछ मतलब ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप थोड़ा सहायता करेंगे मेरी। बोलिए। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, बाइबल उत्पत्ति के विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप तो समझा सकेंगे मुझे। आपको कुछ सवाल है क्या? हाँ, नहीं मैं तो समझना चाहता हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ, उत्पत्ति के विषय में थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपसे, आप थोड़ा सहायता करेंगे मेरी। ओके, क्या सवाल है आप पूछ सकते हो मुझे ज्यादा? हाँ, ये आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी तथा गहरब पर अंधेरा था, और ईश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, इसको ही थोड़ा समझा देते मुझे तो। उसमें क्या समझना है? मतलब ऑलरेडी वो जो लिखा है वही है परमेश्वर ने। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर मतलब ईश्वर ने तो सारी दुनिया को बना दिया ना, हाँ, जो पानी के ऊपर उसकी आत्मा मंडरा रहा था, तो किसने देखा था? मतलब आत्मा मंडरा रहा था वो किसने देखा पूछ रहे हो? जी, मेरा नाम गणेश है, आपका नाम क्या है पादरी साहब? मेरा नाम जॉन है। जी, हाँ, तो जॉन भाई नमस्ते आपको। या नमस्ते। आप चर्च में जाते हो? हाँ, कभी कभी जाता हूँ, मेरे घर के सामने है। ओके, आपको कहाँ से मिला मेरा नंबर? ये मेरे फेसबुक ने मतलब क्या, मेरे एक दोस्त ने देखा था, तो उसने मुझे दिया, बोला ये पादरी साहब का शायद नंबर है, आप थोड़ा कॉल को डायल कर लीजिए, नंबर को डायल करके थोड़ा बात कर लीजिए, उसने बोला था, तो मैंने भी कोशिश की तो लग ही गया आपके पास। ओके ओके जी, देखिए सबसे पहला बात है, आपको चर्च जाना बहुत जरूरी है, ठीक है? बिकॉज आप ओके, मैं समझ सकता हूँ आपका सवाल है, बट फिर उसके ऊपर कुछ कुछ बातें हैं जो बेसिक होते हैं, ठीक है, वो हम चर्च में ही सीख सकते हैं। ओके, सो आपके सवालों का उत्तर भी मिल जाएगा और बहुत कुछ चीजें हैं। सो यदि आप अपने इंटरनेट पे हो, राइट, सोशल मीडिया पे हो आप? नहीं, मेरा उतना कुछ नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको कॉल लगा दिया सीधा, जो आपके आपसे मुझे जानकारी ही मिल जाए सीधा। ओके, आपका फोन सादा फोन है या स्मार्टफोन है? नहीं, मेरा सादा फोन है, मेरा स्मार्टफोन नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चर्च में भी जाते रहिए, ठीक है? उसी के साथ साथ आपका सवाल आप जो पूछ रहे हो उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति से लेके न्यायकरण तक का जो किताब है, जो पहला 5 किताब है, वो मूसा से लिखा था, ठीक है? मूसा ने लिखा हुआ है। अभी आपको मूसा पता कौन है? हाँ, दाऊद, ईसा, मूसा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो 4 पैगंबर इस्लाम में हुए हैं। नहीं, मैं इस्लाम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइबल का बात कर रहा हूँ। सो अगर आप मूसा के मतलब बाइबल का जो मूसा है उसके बारे में आप जानते हो कुछ? हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो सृष्टि में जब अगर यहोवा परमेश्वर ने ही सारी सृष्टि को बनाया ना, तो पानी के ऊपर जो उनकी आत्मा मंडरा रही थी वो किसने देखा था, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे। ओके, वो आत्मा का नाम पवित्र आत्मा है, ठीक है? सो यही बात है, पवित्र आत्मा ने मूसा से लिखा हुआ 5 किताब है। तो उत्पत्ति से लेके अगर आप 5 किताब देखोगे बाइबल में, तो वो मूसा ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा था, ठीक है? तो वही मूसा ने लिखा था, सॉरी। हाँ, तो ये तो मूसा ने लिखा था, मूसा ने देखा आत्मा को मंडराते हुए, मूसा ने देखा था, पवित्र आत्मा ने उन्हें दिखाया और उन्हें वैसा लिखा। नहीं, यह कैसे दिखाया, कि ख्वाब में दिखाया, हकीकत में दिखाया, उनको कैसे दिखाया?
हो सकता है ख्वाब में दिखाया हो या तो इसका 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 आपने। कुछ बाइबल में मिलता है जो मूसा को यहोवा ने ख्वाब में दिखाया, जो मैं पानी के ऊपर मंडरा रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखाया हकीकत में है ऐसा? आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, जब आप एक अध्याय लिखते हो ठीक है, उसके पीछे का एक कहानी होता है कि वो व्यक्ति कौन से व्यक्ति ने लिखा है, कब लिखा है, कहाँ लिखा है, ये सब कुछ एक कॉन्टेक्स्ट होता है जो आपको कुरान में भी नहीं मिलेगा, भगवद गीता में भी नहीं मिलेगा ठीक है। जी वो सिर्फ उधर मिलेगा जहां पर वो लिखा हुआ या और कोई किताब है जिसने उसे बताया होगा। तो अच्छा, क्रिश्चियनिटी धर्म है या कुछ रिलीजियन है ये? क्रिस्तीय एक धर्म नहीं है प्रिय भाई, क्रिस्तीय नाता है ओके। जो रिलीजियन है मनुष्य तो? पाप में खोया हुआ था उसी मनुष्य को परमेश्वर ने उसके साथ एक किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो मैं बाइबल से आपको एक और सवाल। देखिए ये पादरी किस तरीके से निरुत्तर हैं और इसको खुद जानकारी नहीं है। पहला सवाल तो यहाँ ये होना चाहिए, ये कुरान और बाइबल से, कुरान और बाइबल दोनों ने बोला है कि धरती बनी नहीं थी, दुनिया बनी नहीं थी, जलाशय जलाशय था। अब उस जलाशय के ऊपर अल्लाह का सिंहासन था, जैसा कि बाइबल में बोला है, उसका परमात्मा की आत्मा मंडरा रहा था। इन्होंने यही पूछा कि आत्मा मंडराती हुई आत्मा को किसने देखा जो यहाँ लिखा है। तो वह वहाँ आगे जा करके वो बोला है मूसा ने लिखा है, खैर पवित्र आत्मा के द्वारा मूसा लिखा, वो हमें आ रहा हूँ। लेकिन धरती जब बनी नहीं थी, बता रहे हैं ये दोनों ही बता रहे हैं, इस तरह कुरान और बाइबल दोनों ही बता रहे, दुनिया बनी नहीं थी, दुनिया बनी नहीं थी तो जल कहाँ से आ गया, और जल के नीचे क्या है, जल के नीचे मिट्टी तो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो जल कैसे टिका हुआ है, जल किस पर टिकी हुई है। तो यहाँ पहले से ही सवालों के घेरे में है कुरान और बाइबल दोनों ही। और कुरान में एक कमाल और किया है, देखिए वहाँ अल्लाह ने आदम को बनाया, फरिश्तों के द्वारा मिट्टी मंगवाया, मिट्टी ला करके आदम को बनाया, आदम को बना करके उसके अंदर में रूह डाल दी और रूह फूंक दिया, या अय्युह रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ये शब्द आया है। लेकिन उसी आदम के बायां पसली की हड्डी से जब हवा को बनाया, तो हवा को बिना मिट्टी का बनाया, देखिए हड्डी से हवा को बनाया गया, या आदम पत्नी को, तो आदम पत्नी को अगर हड्डी से बनाया तो फिर अल्लाह का ये कहना कहाँ तक सही होगा, कहीं मिट्टी से बनाया, कहीं खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, कहीं गारे से बनाया, कहीं स्त्री और पुरुष से बनाया, कहीं नुतफे से बनाया, और फिर कहीं फूंक मार करके बनाया, तो कौन सी बात अल्लाह की सही है, कुरान वालों को भी नहीं मालूम। अब उसमें आदम पत्नी को जो बनाया हड्डी निकाल करके, बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन, बिना दवा, बिना नर्सिंग होम, बिना हॉस्पिटल, ये सब काम अल्लाह का हो रहा है। तो पढ़े लिखे लोगों को कम से कम ये तो दिमाग लगाना चाहिए ना, क्या आखिर ये है, क्या ये संभव किस तरीके से होगा। ये अंधभक्ति, अंधविश्वास कुरान और बाइबल में भरे पड़े हैं। अब वो हवा को रू भी नहीं डाला कुरान और बाइबल में, यही थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ जो बाइबल में बता रहा है, पूछा गया है, जो आत्मा मंडराती हुई आत्मा को मंडराती हुई किसने देखा, तो इसने बोला पवित्र आत्मा की द्वारा मूसा ने लिखा। अरे मूसा आया कहाँ से, जब आदम आएगा फिर और सब नबी आएंगे, पैगंबर और भी आएंगे, उसके बाद आएगा ना मूसा, मूसा का काल कब का है। अब यहाँ जो दुनिया बनाने की बात आ रही है, दुनिया बनाने से पहले कुछ भी नहीं था, पानी था, ये बता रहे पानी के ऊपर अंधेरा था, जबकि पानी के नीचे अंधेरा होता है। अब बाइबल वालों को ये भी मालूम नहीं कि पानी के नीचे अंधेरा है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को सुना चुका हूँ। तो जब दुनिया बनी नहीं थी, वहाँ मूसा कहाँ से आया, आदम का काल पहले है या मूसा का काल पहले है जो मूसा ने आकर के लिखा है। ये कितना खोखलापन है, देखिएगा कितनी फूहड़पन है कि इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मान्यता नहीं है जो खरा उतरे, मानव समाज में सच इसको स्वीकार किया जाए। सच के नज़दीक भी कुरान और बाइबल आने के लिए तैयार नहीं है, और ये अंधभक्त उसको माने अंधा अनुकरण, उसको ब्रह्म वाक मान करके
पत्थर की लकीर मान करके कुरान और बाइबल दोनों ही मान रहे हैं, और दोनों के पढ़े लिखे लोगों भी इस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वहाँ कुल्लु माजा अभी रसूल मिन इंदिल्लाह बताया, इस्लाम की मान्यता है कि कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता, वो अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से रसूल ने जो बतलाया उसका बिना उसको बिना छानबीन किए उसको मान लेना। और अल्लाह ने खुद कहा जालिकल किताब ला रईब फी, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अरे यहाँ शक पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सब? अब यहाँ तो बाइबल ने सीधा दुनिया बनाने से लेकर के मूसा को ले दिया और मूसा ने लिखा ये बता रहा है। तो आदम कहाँ है तेरा? आदम कहाँ गया? नूह कहाँ गया? लूत कहाँ गया? और ये उससे पहले जितने भी पैगंबर आए थे वो सब कहाँ हैं? मूसा कहाँ से आ गया यहाँ पर? तो इस तरीके से कैसे सवालों के घेरे में है, देखिए और आगे क्या बोल रहा है वो सुनिए। पूछता हूँ, ये जो पूछूं, समय है आपके पास? पूछिए पूछिए। ओके ओके, हाँ मैं निकल लेता हूँ। तो उत्पत्ति 32:38 है आपके पास बाइबल है? हाँ मैंने लिख के रखा है ना, ये आपके पास बाइबल है? हाँ बाइबल है, तो ये तो बाइबल से ही बोल रहा हूँ मैं, 32:38। ओके तो बाइबल 32 है की 38 नंबर पृष्ठा में ये बोला गया है कि लूत ने अपनी बेटी से संतान उत्पत्ति की, एक वो एक बेटी का नाम था माब, दूसरे का नाम था बेनम्मा। तो पिता को शाम के वक्त दाख मधु पिलाई और ये बड़ी बेटी कुछ ऐसा पिता का साथ उसने किया था, ये क्या है ये? प्रिय भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, ये सब मैं समझाता हूँ ठीक है। हाँ, पर उससे पहले मे बी आपके अंदर कोई गलत फहमी होगा या कहीं से आपने कुछ गलत सुना है या हो नहीं, सकता मैं बाइबल है। से बोल रहा हूँ ना, रेफरेंस दे रहा हूँ ना मैं आपको। ओके अगर आपके पास बाइबल है तो मैं सबसे पहले आपको उत्तम चीज समझाना चाहता हूँ जो बेसिक है ठीक है, तो आप बाकी की सारी चीजों को समझ पाओगे। नहीं नहीं, नहीं उत्तम चीज तो मैं अगर सृष्टि जो परमेश्वर जो सृष्टि करता है जो सृष्टि किया है उन्होंने, तो मैं उत्पत्ति से सृष्टि से ही आपसे मैं जानना चाहता हूँ ये कि आदि में जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, तो आकाश आकाश को सृष्टि कैसे किया? आकाश तो स्पेस खाली जगह का नाम है, आकाश तो कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो छत ने जो भी निर्माण किया वो उसके शब्दों के द्वारा निर्माण किया, इसलिए वो परमेश्वर ठीक है। कुरान और बाइबल दोनों की मान्यता एक ही है, देखिए बाइबल में भी कहा है शब्दों से उत्पत्ति की। अच्छा बंधुओं, पढ़े लिखे लोग जरा विचार करें कि शब्दों से उत्पत्ति होना किसी चीज का बनना संभव है क्या? कुरान भी यही कह रहा है, कुन अल्लाह ने कह दिया फयकुन पस हो गया। इन्ना मसला ईसा इन्नल्लाहि कमसले आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन, ये एक बार नहीं अनेक बार आया है। अल्लाह एक बार कुन कहते हो जा फयकुन पस हो जाता है। अच्छा एक बार कुन कहने से अगर हो जाता है तो फिर दुनिया बनाने में 6 दिन क्यों लग गया? इसका कोई जवाब नहीं है ना कुरान के पास ना बाइबल के पास। बाइबल वालों ने भी माना है यही, कुरान वालों ने भी यही माना है। वलकद खलकना समावाति वल अर्ध फी सित्तत अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युबद्दिरु युफस्सिरुल अम्रा वलकद खलकना समावाति वल अर्ध फी सित्तत अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्रा युफस्सिरुल आया। ये है कुरान की बातें कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा, बाइबल में 7वां दिन आराम किया ये बताया। तो जब एक बार कुन कह देने से एक बार हो जा कह देने से शब्द से हो जाना संभव है तो इतने दिन क्यों लग रहे हैं? इसका कोई जवाब ना तो कुरान के पास है ना बाइबल के पास है। और बाइबल वालों ने भी स्वीकार किया है कि उसके शब्दों से इस चीज़ बन जाती है, शब्दों से कोई चीज़ बनना क्यों कर संभव होगा? हाँ, और उनकी आत्मा आपके जानकारी के लिए, एक मिनट आपके जानकारी के लिए उत्पत्ति प्लीज दरवाजा बंद कर सकते हो आप? उनके हाँ जी आपके जानकारी के लिए आप उत्पत्ति बोल रहे हो राइट? उत्पत्ति सबसे पहला बात, उत्पत्ति बाइबल का सबसे पहला किताब नहीं है ऐसा देखा गया तो ठीक है, वो सिर्फ मनुष्य के समझ के लिए ऑर्डर में लिखा गया किताबें हैं
अभी आप एक 10th का सिलेबस लेते हो साइंस का, ज्योग्राफी का, ठीक है, नहीं उसमें नहीं आप वो दूसरे साइंस में मैं कुछ में चले मत जाइए, आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल, बाइबल उत्पत्ति के बारे में मैं आपको जानना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बोलिए पहले मुझे। प्रिय भाई मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप आप उत्पत्ति साइंस बता रहे विज्ञान हो, में मत जाइए, आप उत्पत्ति में आइए। आप उत्पत्ति के बारे में समझना चाहते हो, उत्पत्ति में ये बोल रहा हूँ आप, उत्पत्ति आपको आपको लग रहा है उत्पत्ति सबसे पहला किताब है, ठीक है, बाइबल में जो भी किताबें हैं जितने भी 66 मतलब 66 बुक्स जितने भी है, ठीक है, वो सिर्फ हमारे समझ के लिए और हमारे ज्ञान के लिए ना वो सबके उसे बाइबल दूसरा दूसरा है एवरेज ना, ये सबका बाइबल तो बहुत भाषण मिलता है। है, क्या बोल रहे हो, नहीं बाइबल तो बहुत बाइबल है ना, बहुत बाइबल है, कैथोलिक का भी बाइबल दूसरा है, ये प्रोटेस्टेंट जो है उनका भी तो दूसरा है ना, एक ही है सबका। बाइबल एक ही है, सिर्फ वर्जन अलग अलग है उसके, जो हाँ, वर्षन अलग अलग है। वर्जन हाँ तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आदि में जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, और जो जल के ऊपर जो उनकी आत्मा मंडरा रहा था, ठीक है, अगर सृष्टि को यहोवा परमेश्वर ने ही पूरी सृष्टि की तो जल कहाँ से आ गया? अगर पूरी सृष्टि को ईश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने ही बनाया तो हमें जल कहाँ से आ गया? जल को भी तो बनाना था, जल जल कहाँ से आ गया यहाँ? एक मिनट प्रिय भाई आप एक मिनट, आप मुझे बुरा बुरा मत लेना, ठीक नहीं है, नहीं 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 मैं कोई कभी भी नहीं लूंगा मैं खुद एक पास्टर हूँ, ठीक जी, है, मैं आपको मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे मदद सीखना चाह करना रहा हूँ। चाहता हाँ हूँ, मैं ठीक आपसे है, सीखना चाह रहा हूँ, बस मेरा या बात मैं करिए। आपको मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता जी हूँ, कोई जरूर दिक्कत जरूर। नहीं, पर उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत फहमी से कॉल कर रहे हो, या फिर हो सकता है मतलब जो भी है आपके मन में जो भी है, बट उससे पहले मैं एक एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, अब ये जो भी सवाल पूछ रहे हो इसके लिए मैंने आपको बताया, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है, आप अगर उत्पत्ति से ऐसे ही शुरू करोगे, सबसे पहला बात बाइबल जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो एक साधारण किताब नहीं है, ओके, वो पवित्र आत्मा से लिखा गया किताब है, और बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल बिल्कुल भी समझ नहीं सकेंगे, एक भी शब्द उसका समझ अच्छा, नहीं सकेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है ना, आत्मा तो नहीं लिख सकता। प्रिय भाई पवित्र आत्मा मनुष्य के द्वारा लिखा है, क्योंकि आत्मा बिना शरीर का काम नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो, नहीं वो नहीं दूसरा आत्मा ने जो आत्मा है, लिखाया, आत्मा आप ने किससे अभी लिखाया? ठीक है, आपके अंदर भी एक आत्मा है, भाई ठीक साहब, है, भाई साहब सुनिए सुनिए, आप मेरी बात को पवित्र आत्मा को सुनिए। छोड़िए बाकी सब आत्मा को, वो आपके पवित्र अंदर एक आत्मा आत्मा कौन है, है? वो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है, ठीक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है, वो ओके, पुत्र कौन है? पिता तो मैं समझ गया, परमेश्वर है, पुत्र कौन है? प्रिय भाई आप सुन सुन सकते हो क्या मैं बता रहा हूं, तो हाँ आप पिता तो द्वारा परमेश्वर है, मैं तो मानता हूँ पिता परमेश्वर है, परमपिता परमात्मा ईश्वर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो कौन है? प्रिय भाई मैं वही आपको समझा रहा, आप बोलते ही जा रहे हो बोलते जा रहे हो, मैं एक चीज समझाना जा रहा हूँ आप तीसरा बात निकाल रहे हो, ठीक है समझ। आप ठीक हो राइट, आप ठीक हो, ठीक है समझाइए समझाइए, कोई बात नहीं। आप ठीक है, अब स्थिर है मन में, हाँ, आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए, मैं चुप हूँ, बोलिए बोलिए, मैं जानना चाह रहा हूँ ना आपसे। हाँ तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है, बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा से लिखा गया है, ठीक है, अब पवित्र आत्मा कौन है अगर आप पूछोगे, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्ति है, कौन है ओके, इसके वो लिए कौन है? आपको नया नियम, अभी बाइबल पुराने नियम में नया नियम में बांटा गया है, उसके लिए आपको नया नियम समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा पुराने, परमेश्वर अगर पुराना नियम को नहीं समझे तो नया नया नियम को समझना जरूरी है क्या? पुराना नियम नहीं होता तो नया नियम भी आना तो संभव नहीं समझ होता। सकते हैं, समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते, प्रिय नहीं, अगर ओल्ड टेस्टमेंट नहीं होता तो आपको तो न्यू टेस्टमेंट भी लिखना संभव नहीं होता आपके लिए, ये भी तो आपको समझना होगा। कुछ गलत गलत इरादे से आपने कॉल किया है, थैंक यू नहीं सो मच भाई, कॉल करने के भाई साहब लिए, सुनिए मेरी बात। थैंक यू, हेलो हेलो, कट दिया काट दिया काट दिया क्या उसने? काट दिया, साले लोग को तो मैं बोलता। आप लोगों ने देखा और सुना, जब ये जवाब नहीं दे पाए तो फोन काट कर भाग गए और अपने को पास्टर भी बता रहे हैं, जॉन है भाई, जवान है या बूढ़ा है उससे तो मतलब नहीं, मतलब यहाँ सिद्धांतिक बातों की है,
अब यहाँ पवित्र आत्मा माना है परमात्मा को, और पवित्र आत्मा ने लिखवाया किससे? मनुष्य से। तो पवित्र आत्मा ने मनुष्य से लिखवाया, उस समय कागज़ का आविष्कार हो गया था क्या? बाइबल वालों को मालूम है कि कागज़ का आविष्कार किस समय हुआ, किस काल में हुआ? कागज़ का आविष्कार जब नहीं हुआ तो उस समय लिखा किससे गया, किस चीज़ पे लिखी गई, कलम कहाँ मिला? यही हाल अल्लाह का भी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लाह ने ये बोला, अल्लाह ने कलम से इंसान को ज्ञान दिया। अब पता नहीं अल्लाह को कलम कहाँ मिला, यही जिब्रील 5 आयत लेकर के आए थे, उसी में ही बोला गया है। खैर वो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बाइबल की चर्चा कर रहा हूँ। जो कलम को रोशनाई चाहिए, स्याही चाहिए, कापी चाहिए, ये सब सामान कहाँ था? तो ये कपोल कल्पित बातें कुरान और बाइबल में भरी पड़ी हैं। इसको ईश्वरीय ज्ञान मानना ये मानवता पर कुठाराघात है, और साथ साथ विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध भी है। और सृष्टि नियम विरुद्ध किस तरीके से है, कुरान और बाइबल भरी पड़ी है, आप जहाँ बोलेंगे वहीं से मैं दिखा दूँगा। इसीलिए तो मैं कुरान वालों को केवल इतना ही बोला हूँ, मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके बोला कि कुरान वालों को मैं, वो साजिद रशीदी चीज जिस दिन बात हुई थी, उसने बोला था कि मुर्दों को कैसा नहलाया जाता है, जब पानी नहीं है वहाँ कैसा नहलाएंगे, वो वही जाने, वो तो तयमुम कराना पड़ेगा, तयमुम क्या है वो बाद में बताऊँगा। तो उसी दिन ही मैं सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके बोला कि संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करके दिखाए। कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है, बाइबल के लिए भी वही है। तो किस तरीके से हमारे बच्चों ने इन पादरियों को चुटकी में उड़ा रहे हैं ये देखिए। तो आप सब लोगों को भी इसी प्रकार से तैयारी अपनी करनी होगी, आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। जो ईसाई मिशनरी का दुकान ये लोग दुकान चला रहे हैं, चाहे ईसाइयत हो या इस्लाम हो, जाकिर नाइक भी तो सड़क पर खड़ा होकर के ही मुसलमान बना रहा था ना हिंदू घराने के लड़के लड़कियों को, उसको मैंने ही तो चेक दिया है। कौन आर्य समाजी आया था इस काम के लिए या कौन हिंदू आया था इस काम के लिए? खैर वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना मतलब कहने का मतलब ये है कि सबको तैयार होना पड़ेगा, सब की तैयारी चाहिए। अगर सब तैयार हो जाएंगे इस तरीके से और कुरान और बाइबल के मानने वालों को चारों तरफ से इस तरीके से घेरेंगे, तो हो सकता है कि धर्म की पताका आप पूरे भारत में, विश्व में तो क्या है, भारत में लहरा सकते हैं आप। और मानव मात्र के लिए धर्म एक है जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जिस पर मैं आज 38 वर्षों से काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप सभी भारतवासियों से विनती कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी तैयारी करिए। कल हरिओम जी का सुना था, यहाँ भी इस गणेश जी की वार्ता में हरिओम जी भी जुड़े हुए थे। हरिओम जी ने इनको फ़ोन नंबर दिया था, उस पास्टर से बात कराई थी, ये भी जुड़े हुए थे। और अंत में सुना होगा दोनों की आवाज़ काट करके भाग गया, काट करके भाग गया, दोनों ही बोल रहे। तो खैर ये जो छोटी सी एक छोटा सा विचार मैंने आप लोगों को दिया, हमारे गणेश दास जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मत समझना कि गणेश दास जी केवल आसामीज जानते हैं, वो हिंदी भी जानते हैं, बंगला भी जानते हैं। तो इस तरीके से काम हो रहा है, आप लोग भी काम करिए। सब मिल करके काम करने पर तभी ईसाइयों की ये दुकानदारी बंद हो सकती है। पंजाब में तो भरमार हो रहा है, पंजाब में कहाँ कहाँ किस तरीके से ईसाई लोगों का प्रचार चल रहा है, ईसाई मिशनरी का प्रचार चल रहा है, आप लोग शायद सोच भी नहीं पा रहे होंगे। हरियाणा में भी इस तरीके से ईसाई लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और रोज़ाना मेरे पास बच्चे भेजते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से मैं विनती करूँगा कि इसी प्रकार आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। जब आप सब मिल करके तैयार हो पाएंगे तभी सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जन जन तक पहुँचाने के लिए मेरे इस वीडियो के आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारी और आपका आपकी ये रब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देते हुए, महेंद्र पाल आर्य, भारत माता की जय।